हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमी शॉर्ट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राई पार्टी रेपो के बारे में। मैं यहाँ इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने अपनी कुछ गाइडलाइंस लेकर के आए हैं रिगार्डिंग ट्राई पार्टी रेपो। तो ट्राई पार्टी रेपो को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि रेपो ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो रेपो ट्रांजेक्शन पहले समझ लेते हैं कि रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, रेपो क्या मतलब होता है, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। अब सपोज कीजिए कि आप एक बोरोअर हैं और आप किसी लेंडर के पास जाते हैं, और आप क्या लेकर के जाते हैं लेंडर के पास, आपके पास कोई सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल है, किसी कंपनी का कोई कमर्शियल बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना। तो इस तरह का कोई आप सिक्योरिटी जो है वो लेंडर के पास लेकर के जाते हैं। आप कहते हैं कि देखिए मेरे पास ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट का बॉन्ड है मेरे पास 100 रुपीज़ का, आप मुझे लोन दे दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसको 1 महीने बाद एक स्पेसिफाइड प्राइस पर जो है आपसे इसको वापस खरीद लूंगा। तो ये क्या हुआ, रीपर्चेज। आपने एक ऑब्लिगेशन, आप ड्यूटी बाउंड है कि जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट की आप गारंटी के तौर पर या फिर आप किसी को बेच रहे हैं, आप उसको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद, 15 डेज बाद या किसी भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफाइड प्राइस पर आपसे वापस खरीद लूंगा। तो लेंडर बोलता है ठीक है, मैं आपको इसके बदले में कैश दे देता हूं, है ना, लेकिन आपका क्या ऑब्लिगेशन है कि आप एक स्पेसिफाइड प्राइस पर इसको वापस से खरीदोगे। तो वो स्पेसिफाइड प्राइस क्या होगा, जो भी आपका प्रिंसिपल है, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपीज का लोन लिया तो वो आपको चुकाना है, प्लस जिस इंटरेस्ट रेट पर आपको दिया गया है, मान लीजिए कि 5% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो मान लीजिए 1 महीने बाद आप लेते हैं तो 5 रुपये आ जाएगा, 5% के हिसाब से, तो आप इसको कितने रेट पर खरीदेंगे, 105 रुपये पर आप इसको वापस से खरीद लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हुआ रीपर्चेज ऑब्लिगेशन ट्रांजेक्शन या फिर रेपो ट्रांजेक्शन। तो ये कैसा है, बिल्कुल एक सिक्योर्ड लोन, जैसे आप जाते हैं बैंक में जाते हैं, कुछ गारंटी के तौर पर रखते हैं कि देखिए मैं अपनी गाड़ी रख रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे जो है लोन दे दीजिए। जब आप लोन चुका देते हैं तो जो है आपकी गाड़ी आपको वापस मिल जाती है। तो इसी तरह से ये रेपो ट्रांजेक्शन होती है, जहाँ पर आप एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ लेकर गए, कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, किसी कंपनी का कोई बॉन्ड लेकर के गए लेंडर के पास, आपने उसको बेचा, उसके बदले में उसने आपको लोन दिया, लेकिन आपके ऊपर एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है कि आप कुछ टाइम बाद उसको एक स्पेसिफाइड प्राइस पर वापस से लेंडर से खरीदेंगे। और वो स्पेसिफाइड प्राइस क्या होता है, जितना आपने प्रिंसिपल लिया है प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है उतने पैसे देकर के आप उसको वापस से उसको खरीदेंगे। तो ये हुआ आपका रेपो ट्रांजेक्शन। The principal plus interest combined is basically the specified price at which the borrower agreed to repurchase the securities. अब ये आपने repo transaction समझ लिया, तो अब बात करते हैं कि tri-party repo क्या होता है। Tri-party repo का मतलब क्या है, यहाँ तो सिर्फ borrower और lender दो पार्टी थी। Tri-party क्या हो कि आप दोनों के बीच में एक mediator भी आ जाता है। ये mediator क्या करेगा, ये इस transaction को facilitate करेगा, कैसे, पेमेंट एंड सेटलमेंट करने में, उसकी जो सिक्योरिटी है उसकी कस्टडी अपने पास रखेगा, या फिर किस तरह की सिक्योरिटी लेंडर को एक्सेप्ट करनी चाहिए उसमें हेल्प करेगा, कोलेट्रल सिलेक्शन में। तो इस तरह के काम जो है एक थर्ड पार्टी करेगी, कोलेट्रल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली है कि जो NBFCs हैं, बैंक्स हैं या फिर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो मीडिएटर्स की तरह काम कर सकते हैं इन ट्राईपार्टी रेपो। रेपो रेट और रेपो ट्रांजैक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। रेपो ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी आपको समझाया, रेपो रेट क्या होता है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। तो रेपो ट्रांजैक्शन किसी के बीच में भी हो सकती है, लेकिन जब रेपो रेट की बात करेंगे तो वो स्पेसिफिकली आरबीआई से ही कंसर्न करेगा। तो आई होप कि आपको अब ट्राई पार्टी रेपो का जो है मतलब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।